आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हम आपका कवर करवाएंगे। और वैसे ही अगर हम बात करें भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत का भूगोल स्थल मंडल का कुल 2.4% है। अब 2.4% है तो भारत का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वैसे ही वर्ल्ड की एरिया की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड के अगर टोटल एरिया की बात करें जो वो है आपका 510.072 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ल्ड का टोटल एरिया है। लैंड एरिया अगर इसमें हम निकाल दें तो लैंड एरिया आपका निकल के आ जाता है 1.894 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वाटर एरिया वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वाटर एरिया है 361.132 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 82.5 डिग्री हम ग्रीनविच टाइम से लेके चलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम होते हैं, उसे हमारा प्लस 5.5 यानी आप ऐसे बोल सकते 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं। ठीक है, GMT से हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं। भारतवर्ष का आकार जो क्षेत्रफल में विश्व का सबसे सातवां स्थान है, सातवां इसलिए है कि पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे है चाइना, पांचवे पे है ब्राजील, सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे है इंडिया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो ये टोटल वर्ल्ड का 17.5% अपने पास रखता है, यानी 125 करोड़ के करीब है। अभी तो 130 हो गया है, लेकिन अगर इसके अनुसार देखा जाए तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, दूसरे पे है इंडिया। ठीक है, गांवों की अगर हम बात करें तो 640,930 गांव है टोटल इंडिया में। ठीक है, अब देखिए हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं, ये आपका दक्षिण पॉइंट है, ये आपका उत्तर का पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है वो आपकी है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और ठीक पश्चिम से पूरब का जो दूरी है वो आपका है 2,933 किलोमीटर। ये लेंथ है, आप इसको एरिया मत मानिएगा। ठीक है, ये लेंथ है। अगर हम स्थल सीमा की बात करें, स्थल सीमा की अगर हम बात करें यानी लैंड एरिया की बात करें, तो हमारा लैंड एरिया जो है वो है आपका 15,200 किलोमीटर, बस इतना ही है, ये सभी लेंथ में है। ठीक है, अगर तटीय भाग की अगर हम बात करें तो वो हमारा है 7,500 किलोमीटर, ये हमारा ही लेंथ है, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। ठीक है, इसका डबल है, ये ऑलमोस्ट डबल है। अगर भारतीय राज्यों में गुजरात की जो तट रेखा है, यानी ये गुजरात की जो तट रेखा है ये वाली, ये सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी है, ये कितनी है? तो ये आपकी है लगभग 1,650 किलोमीटर। ठीक है, 1,663 किलोमीटर का ये केवल गुजरात का एरिया है, कच्छ से लेके यहां तक मुंबई के आसपास तक ये पूरा इतना है। ठीक है, जो हमारा जो सबसे एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है हमारा सबसे एंड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, सॉरी इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, इसके आसपास ये पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसको हम इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते थे पहले, लेकिन अब इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब ये है जो उत्तरी का, उत्तर का जो भाग है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो उत्तर का जो भाग है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल।
ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं इंद्राकोल, ठीक है। उत्तर का जो अंतिम बिंदु है उसको हम बोलते हैं इंद्राकोल, और दक्षिण का जो बिंदु है उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये जो पश्चिम का जो इलाका है यहाँ पे है सरक्रीक, यहाँ पे क्या है सरक्रीक है, गुजरात में पड़ता है ये, हमारा पश्चिम का सबसे लास्ट पॉइंट है पश्चिम का। और पूरब के अगर हम लास्ट पॉइंट बात करें, देखिए भारत जो है वो पश्चिम से पूरब के ओर पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 के पास है, यानी 2.25 के करीब है, ठीक है। अगर यहाँ पे है वालांगो, यहाँ पे क्या है वालांगो, वालांगो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है पूरब का लास्ट पॉइंट, पूरब का लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो इलाका है ये हमारा जो चाइना के साथ जो बॉर्डर बनता है, ठीक है, चाइना के साथ जो बॉर्डर बनता है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, उसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है मैकमोहन लाइन, देखिए ये 1914 में बनाई गई थी शिमला में, कहाँ बनाई गई थी शिमला में, इसका निर्धारण किया गया था कि ये जो लाइन होगी ये शिमला और इंडिया की होगी, ठीक है। वैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये वाली लाइन, इसको हम डुरंड लाइन बोलते हैं, इसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं, ये अफगानिस्तान और भारत की रेखा बनाती है। इसका 1896 में इसका ये किया गया था, ठीक है, सर डुरंड जिसके नाम पे ये रेखा है उन्हीं ने ये बनाया था, इसलिए इनके नाम पे ये रेखा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो ये रेखा है इसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, यानी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है ये 1947 में बनाई गई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। इसका नाम पूरा नाम था सी जे रेड क्लिफ द्वारा, ठीक है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये वाली जो लाइन है भारत और श्रीलंका के बीच, इसको हम पाक जल डमरू मध बोलते हैं, पाक जल डमरू मध, ठीक है, ये है पाक जल डमरू मध, ठीक है। ये जो खाड़ी है इसको हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको बताई 82.5 डिग्री, तो ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरेडियन भी बोलते हैं हम इसको, इंडियन स्टैंडर्ड मेरेडियन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरेडियन, ठीक है। तो 82.5 डिग्री से होके गुजरती है, ये होके गुजरती है आपका इलाहाबाद के पास, यहाँ पे इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है, तो मिर्जापुर से ये होके गुजरती है, कहाँ से वो गुजरती है मिर्जापुर। हम कितना आगे चलते हैं, हम चलते हैं +5:30 आवर, यानी 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं मेन टाइम से, ठीक है। अगर वैसे ही अगर बात करें तो देशांतर राज्य में आपका जो मिलती है, ठीक है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे डिटेल्स में, पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, में थोड़ा इरेज कर दूं इसको ताकि कुछ समझने में आसानी हो, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये वाला जो लगा है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, देखिए ऊपर की तरफ जो भी जाती है इसको अक्षांश से बोलते हैं, ये वाली जो अक्षांश है, ठीक है, और ये वाली देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये देशांतर है, ठीक है, जो मतलब ऐसे ऐसे बनी होती है वो देशांतर है, और जो ऐसे बनी है वो अक्षांश रेखा है, ठीक है। पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है इंडिया, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है।
भारत के लगभग दो बीचों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है यही है कर्क रेखा, यही है, ये वाली जो लाइन आपको, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है यही हमारी कर्क रेखा है, यही है कर्क रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं इसके। ठीक है, तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। ठीक है, यानी यहाँ पे है आपका सिक्किम, और यही जो रेखा यहाँ गुजरेगी वो गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? वो गुजरती है आपके राजस्थान से। ठीक है, कहां से गुजरती है? राजस्थान से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम है जैसलमेर। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन से जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, किस जिले से पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है राजस्थान के जैसलमेर से। यहां पे पड़ेगा जैसलमेर आपका, और यहां से गुजरती है भारत एवं कर्क रेखा। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और कर्क रेखा के बीच, कर्क रेखा के बीच देखिए, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है इंडिया से। ठीक है, ये हमारा अक्षांश लाइन है, इस तरह हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यहां से गुजरती है, सिक्किम को टच करती है और राजस्थान को टच करती है। ठीक है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है वो याद करने का है। सबसे कॉर्नर से आइए, पश्चिम से आइए गुजरात, पश्चिम से आइए गुजरात, गुजरात के बाद आपको मिलेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सिक्किम को टच करके गुजरती है, लेकिन सिक्किम में इन नहीं करती, यानी यहाँ पे ये त्रिपुरा में टच कर जाती है लेकिन सिक्किम को टच नहीं करती। ठीक है, हाँ, 70 डिग्री वाला जो है अक्षांश रेखा वो जरूर टच करती है। तो भारत के कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से सबसे निकटतम कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी? तो वो गुजरती है गांधीनगर से, गुजरात के राजस्थानी से गुजरती है सबसे निकटतम। अगर वैसे ही और हम बात करें दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर के शहरों में सबसे नजदीक किससे गुजरेगी? तो हमने जाना है कि कोलकाता से होके गुजरती है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले अक्षांश वो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, यानी भारत को ये दो बराबर भागों में बांटती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया को दो भागों में बांटती है। कितना है इसका? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब याद करते हैं, देखिए झारखंड से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। इसका मतलब है मणिपुर कहीं ना कहीं छूट रहा होगा। तो कर्क रेखा के ये उत्तर में स्थित है, मणिपुर कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, दिल्ली शहर में जून माह में दिन अधिकतम कहाँ होगा? तो दिन अधिकतम होगा दिल्ली में, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रल
पॉइंट है। तो यहाँ पे जो दिन सबसे लंबा होगा जून महीने में, अवधि कितनी होगी, सबसे लंबी होगी। बढ़ते हैं आगे, कुछ मानक समय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जब भारतीय मानक समय में अध्योत्तर में अधरात्रि है, ठीक है, अध्योत्तर में अधरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान पर अवस्थित तो अध्योत्तर की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। तो देखिए, 6 बज रहा है, 82.5 डिग्री आपको पता है हम कितने रहते हैं, वहां पे आपका 6 बज रहा है, यही है ना, प्लस इतना हम लेके चलते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टैंडिंग है। वहां पे अगर 6 बज रहा है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही निकाल दीजिए आप कि 6 बज रहे हैं तो 4 मिनट का 1 मिनट हो जाएगा, तो हमें पता है कि 82.5 डिग्री है, टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहा है वहां पे, 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यानी कुल 15 डिग्री अगर वो फालतू चलेगा तो हमको वो 1 आवर दे देगा, यानी वहां पे कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं ना, मेन टाइम से लेना है, जीरो से लेना है, ठीक है। तो अब आपको मिल गया यहाँ पे टोटल, वो अगर 60 डिग्री चल गया तो आपको 4 आवर दे देगा, वो चल ही जाएगा कितना, आपको 6 आवर निकालना है ना, तो 6 बज रहे हैं वहां पे, 6 आवर है ना, तो टोटल 90 डिग्री चल जाएगा वो। तो हमारे पास पहले से है 82.30 प्लस 90 को ऐड कर दीजिए, 172.30, ठीक है, पूरब में होगा, ठीक है, पूरब में होगा, ठीक है। गुजरात के पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर होगा, सेम कंडीशन वही है, 1 डिग्री का, ठीक है। तो टोटल हमें पता है कि पूरब से पश्चिम की ओर कितना फैला हुआ है, इंडिया पूरब से पश्चिम की ओर कितना फैला हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट है से 97 है ना, 97.25 मिनट है ना, इसमें ऑलमोस्ट देखिए 30 का गैप है ना, 30 का गैप है, यानी 30 डिग्री का गैप है, 1 डिग्री 4 मिनट का है, ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट का है, तो 30 मिनट कितने का हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री कितने मिनट का हो जाएगा, 15 डिग्री आपको दे देगा 1 घंटा, तो 30 डिग्री कितनी दे देगा, 2 घंटा, तो वही आपका आंसर निकल गया आ जाएगा, 2 आवर। देखिए, रीवा सागर उज्जैन होशंगाबाद शहरों में मानक रेखा IST देशांतर के निकट है, वो है रीवा, रीवा एक शहर का नाम है वहां पे कटित है। देखिए, मानक समय पूर्वांक का 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी दिशा में शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, निकालने का सेम तरीका है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो वहां बजेंगे 10:38 बजेंगे, सेम 2:30 बजेंगे पूर्वी 120 डिग्री पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में मानक सेवा अत्योदर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती दोस्तों, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, मानक सेवा समय रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, क्योंकि ये वो लाइन है और महाराष्ट्र आपका गुजरात के पास पड़ता है, ठीक है। तो यह यहाँ छत्तीसगढ़ को टच करता है, यहाँ उत्तर प्रदेश को टच करता है और नीचे जो है आपका आंध्रा को टच करता है, ठीक है, आंध्रा छत्तीसगढ़ ऐसे है ना, इंडिया ऐसे, तो यहाँ दोनों को टच करता है वो, और ये वाला जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ को और उत्तर प्रदेश यूपी को, यूपी से गुजरता ही है, कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर से, ठीक है, इसको नैनी भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देता है नैनी, नैनी और मिर्जापुर दोनों के बीचों बीच है, इसलिए कभी नैनी कभी मिर्जापुर माना जाता है इसको, ठीक है। आज आपको थोड़ा साउंड भी बैकवर्ड साउंड मिल रहे होंगे, क्योंकि आज नए साल का जो उत्सव मनाया जाएगा यहाँ पे, इसलिए। तो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कितना आगे चलते हैं, प्लस 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। वैसे ही देखिए, तीरप में अगर 5 बजे सुबह हो रहा है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा, वो होगा 7 बजे। अरुणाचल प्रदेश लास्ट पॉइंट है, गुजरात है, ये है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना का है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है, यानी 2 आवर का डिस्टेंस है। तो 5 बजे वहां सुबह हो रहा है, तो यहाँ सुबह होगा 7 बजे, ठीक है, यहाँ सुबह होगा 7 बजे। अब कुछ सीमावर्ती, ठीक है, सीमावर्ती देश के बाद में बात कर, देखिए, असम, भूटान, बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है। असम किस किस से लगा हुआ है, तो ऐसे देखिए, असम,
असम लगा हुआ है भूटान से और बांग्लादेश से, ठीक है। ये है असम, ये नीचे का एरिया है बांग्लादेश का, और ये है भूटान का। तो असम किस किस से लगा हुआ है? इन दोनों से लगा हुआ है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया जो है वो बांग्लादेश से लगता है, कभी कभी हम मिस कर देते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ये रहा, पश्चिम बंगाल लगता है भूटान से और बांग्लादेश से, और ऊपर लगता है नेपाल से, ठीक है, ऊपर लगता है नेपाल से। मिजोरम, मिजोरम किस किस से लगेगा? तो देखिए, ये है मिजोरम, इधर लगता है बांग्लादेश से और इधर लगता है म्यांमार से, ठीक है। अब आती बात आती है कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वो राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो देखिए, मणिपुर ऊपर हो जाता है, मणिपुर मिजोरम से ऊपर है, इसकी सीमा मिजोरम से तो लगती है लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगती, क्योंकि बीच में आसाम पड़ जाता है, बीच में आसाम पड़ जाता है इसलिए नहीं लगती। अब बात आती है कि बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा लगती है, इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा लगती है। तो देखिए, इधर से पश्चिम बंगाल लगेगा, इधर से आसाम लगेगा, इधर से मेघालय लगेगा, ठीक है, त्रिपुरा लगेगा, है ना, त्रिपुरा लगेगा, मिजोरम, मिजोरम भी लगेगा क्योंकि ये पॉइंट है ना, नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो मिजोरम लगेगा। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश से कितनी राज्य लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं कुल मिलाकर? मिजोरम बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। अब भूटान से कौन कौन सी सीमा लगती है? तो भूटान से लगती है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन ये जो है मेघालय नहीं लगता, मेघालय तो बांग्लादेश से लगता है ना, मेघालय बांग्लादेश से लगता है, मेघालय जो है वो बांग्लादेश से लगता है, इसलिए ये भूटान के साथ सीमा शेयर नहीं करता। वो भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, देखिए म्यांमार को तो मणिपुर भी स्पर्श करता है, मिजोरम भी स्पर्श करता है, लेकिन सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ से म्यांमार स्टार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश का लगता है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का तो नहीं लगता उतना, क्योंकि यहाँ खत्म होने के बाद इधर से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ठीक है। तो म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, किसकी? आसाम की। आसाम तो बीच में पड़ता है ना, आसाम भूटान और बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है, ना कि म्यांमार से। देखिए, अब बात आती है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर से आइए, ऊपर से जम्मू कश्मीर लगेगा, पंजाब लगेगा, राजस्थान लगेगा, गुजरात लगेगा, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, ठीक है। अब बात आती है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो वो है बांग्लादेश की, क्योंकि हमारी 7 सिस्टर लगभग इससे मैच करती है। आसाम भी लगता है, मेघालय भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, मिजोरम लगता है, तो सबसे ज्यादा जो सीमा है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा जो है हम बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य, तो वो है नागालैंड, ठीक है, वो नागालैंड। नागालैंड तो ऊपर हो गया ना, नागालैंड इसके ऊपर है, तो कैसे बनाएगा वो सीमा? तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो किससे द्वारा निर्धारित की जाती है? रेड क्लिप से, डूरंड लाइन अफगानिस्तान से हमारी बनाती है सीमा। तो यहां तक हमने देख लिया था डूरंड लाइन के बारे में। डूरंड लाइन के बाद हम देखते हैं कि चीन के साथ, जो चीन के साथ हमारी जो सीमा है उत्तरी पूर्वी सीमा, यानी ये वाला जो सीमा है इस पे, जो इस लाइन को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मैप में भारत और श्रीलंका के बीच जो वो है आपका मन्नार की खाड़ी में, पाल मन्नार की खाड़ी में स्थित है ये, ठीक है, पाक जब डमरू मध्य। उसके बाद है आपका नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमाओं से मिलने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम हमारा जो हमारा चिकन पॉक्स जो वो है नेक है,
वहां पे कॉर्नर पे ही स्थित है सिक्किम। तो सिक्किम से मिलता है आपका नेपाल, ऊपर भूटान और इधर कॉर्नर पे चाइना। ठीक है, ये नेपाल, ये भूटान और ये चाइना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय संकेत मिलते हैं भूतकाल में, और भारतीय स्थलपिंड शर्करा उत्तर की ओर है। ठीक है, अब भारत की उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे गोंडवाना लैंड की चट्टान है, उसे गोंडवाना लैंड की चट्टान है, चट्टान इसको बोला जाता है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना हुआ है। भारत का विभाजन चार प्राकृतिक प्रदेशों में है। ठीक है, चार प्राकृतिक प्रदेशों में है। ठीक है, उत्तराखंड का पाताल तोड़ कुएं पाए जाने का कारण ये है कि वहां तराई का क्षेत्र है इसलिए। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक सभ्यता भौगोलिक प्रभाव होता किसका? देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा का मैदान इतनी सुविधित जलोदमित्रा से वंचित होता, और मानसून प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो अभी का मानसून है उस टाइम के मानसून, जो अगर हिमालय नहीं रहता तो अलग होता। ठीक है, तो हिमालय से हमको बहुत ही फायदा है, हिमालय का कुछ इस तरह का विस्तार है। ठीक है, ऊपर से ये हम इधर से जो भी हवाएं चलती है हिमालय से टकरा कर इधर ही रुक जाती है, जिसकी वजह से भारी वर्षा भी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ मृदा लाती है, जिसके लिए जिसे हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है जो होती उपजाऊ होती है। वैसे ही एक देश है युगांडा, युगांडा की भी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन वहाँ कृषि लायक कोई, कृषि में कोई ज्यादा वहाँ पे वो विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, कृषि में ज्यादा विकास नहीं हो, क्योंकि वो भी वो आगे की चर्चा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब करंट अफेयर्स दिखाऊंगा। देखिए दक्कन का ट्रैप, दक्कन का ट्रैप जो है वो क्रिस्टेरियस आदि नूतन है। ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है, और अरावली प्री कैस्पियन है, अरावली की जो पहाड़ी है। नर्मदा अत्यंत नूतन है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की जो पहाड़ी है वो अत्यंत नूतन है, मतलब अब सबसे ज्यादा नई जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है, वो है नर्मदा और ताप्ती की। सबसे पुरानी जो है प्री कैम्ब्रियन है वो है आपकी अरावली, अरावली को सबसे पुरानी बोला जाता है। ठीक है, पश्चिम घाट हो गया, उसके बाद हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानते हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सत्वाहिनी होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सत्वाहिनी होती है, हमेशा पानी होता है इसमें, लेकिन हिमालय अपनी वर्षा से अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए दोनों सही है, हिमालय अपनी वर्षा अधिकांश, लेकिन कहाँ ये सत्वाहिनी है, ये हिम से पानी आता है ना, हिम से, इसमें हिम से पानी आता है, और बारिश के समय में ये नदियां भर जाती है। ठीक है, लेकिन मानसून का और नदियों से कुछ लेन देन नहीं है, इसलिए दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सत्वाहिनी है। ठीक है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। मैंने आपको पहले बताया ना, ये सारी नदियां हिम से निकलती है ना, बर्फ के पिघलने से निकलती है, तो सत्वाहिनी तो हुई, बारिश के कारण इसमें पानी भर जाता है इसलिए, लेकिन दूसरा जो है वो सही है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये हिम से ही रिलेटेड है और रीजन जो भी है वो भी हिम से ही रिलेटेड है। तो एसएसआर रीजन में ये क्वेश्चन अब आने लगे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हिमालय की रचना, अगर हम रचना की बात करें तो बलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें हम प्राचीनतम श्रेणी किसे मानते हैं, बृहत हिमालय को सबसे प्राचीनतम श्रेणी माना जाता है। बृहत हिमालय श्रेणी को सबसे प्राचीनतम हिमालय श्रेणी है। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाबर। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक की, शिवालिक पहाड़िया का किसका हिस्सा है, शिवालिक पहाड़िया हिमालय का ही हिस्सा है, जो सबसे पहले जो पहाड़ी पड़ती है वो शिवालिक की पहाड़ी पड़ती है, उसके बाद ट्रांस हिमालयन, उसके बाद बृहत हिमालयन, ऐसे करके पड़ता है। शिवालिक पहाड़िया किसका हिस्सा है, हिमालय का, मैंने आपको बता दिया। शिवालिक श्रेणी निर्माण होती है किससे, सेनोजोइक या सेनोजोइक युग में, ये पैलियोसिन युग है। ठीक है, टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड है, कौन से टाइम पीरियड में किस श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कुछ, देखिए शिवालिक श्रेणी की सबसे ऊंची ऊंचाई कितनी है, 850 से 1200 मीटर है, यानी जो सबसे पहले पड़ती है ना शिवालिक, शिवालिक सबसे पहले पड़ती है,
इसलिए इसकी ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। ठीक है, 850 से लेकर 1200। शिवालिक में शैल समूह के और दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है वो कौन सा है? गिरिपद, गिरिपद की स्थिति में। ठीक है, गिरिपद स्थिति का। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सिक्किम हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। कौन सा? उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ जाता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर पड़ जाता है नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर पड़ जाता है नेपाल। तो सिक्किम से तो हिमालय लगता है, हिमाचल प्रदेश से तो लगता है, उत्तराखंड से लगता है, लेकिन यूपी से नहीं लगता ये। ठीक है, हिमालय के तरुण बलित यानी नवीन मोड़दार पर्वत साक्ष कहे जा सकते हैं किसके? गहरे गड्ढे यू, ऐसे ऐसे है पहाड़ का निर्माण हुआ है ना, तो इसको यू बोला जाता है, इसको यू बोला जाता है। यू घुमा वाले नदियां, ऐसे नदियां निकलती है। ठीक है, समानांतर पर्वत श्रेणी यानी इसको श्रेणी बोला जाता है, तो समानांतर है, एक दूसरे के आमने सामने पड़ती है। उत्तरदायी ढाल, ढाल भी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है इसको। मैं आगे एक मानचित्र दिखाता हूं आपको और आपसे पूछता हूं, देखिए ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आपको बताना है कि ये 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे अंक हैं मान के चलिए। तो काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये वो जगह है। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय मैंने आपको बताया पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय कहाँ है? इन दोनों के बीच में है। ठीक है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी दक्षिण से उत्तर की ओर सही है, कौन सी? शिवालिक, लघु हिमालय, हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी दक्षिण से उत्तर की ओर, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, क्योंकि तीनों ऐसे ही फैला हुआ है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये नीचे उतर जाता है, आपको म्यांमार में भी कुछ हिस्सा आ जाता है इसका। दक्षिण भारत के, भारत में नवीनतम चट्टान की प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना लैंड की चट्टाने जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये लैंड की चट्टाने, छोटू की चट्टाने, गोंडवाना लैंड की चट्टाने। उच्चावर आकृतियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सही वन लगाइए, तो पहले क्या मिलता है? धौलाधार मिलता है, फिर जास्कर मिलता है, फिर लद्दाख मिलता है, फिर काराकोरम। ठीक है, दक्षिण से उत्तर यानी क्या, पहले क्या मिला आपको? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और ये वाली पीर पंजाल। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम की श्रेणियां कौन सी है? पहले उत्तर दिशा की ओर, पीर पंचाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय से पूर्व से पश्चिम की ओर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई में कौन सा है? हिमालय कम होता है, हिमालय कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ किन कारणों से वनस्पति परिवर्तन होता है? अचानक तापमान में गिरावट हो जाता है, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, यानी मिट्टी जो है यहाँ पे वो उपजाऊ नहीं होती, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। देखिए आज का जो हमारा हिमालय पहाड़ है वहां पहले टिथिस नामक उथला समुंदर हुआ करता था, उथला समुंदर हुआ करता था। ठीक है, तो कभी कभी पूछते हैं जहां पे हिमालय है वहां पे पहले कौन सा समुंदर था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था टिथिस। ठीक है, टिथिस नामक समुंदर हुआ करता था, नाम क्या था उसका? टिथिस। उत्पत्ति की दृष्टि में सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? वो है आपका पटगाई श्रेणी हिमालय का, पटगाई श्रेणी हिमालय का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति की, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है, हिमालय की अगर हम उत्पत्ति की अगर बात करें, तो उत्पत्ति जो है
वो प्लेट अप टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के वजह से निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्या है, टेक्टोनिक प्लेटें हैं इसके अंदर हिमालय में, ठीक है, कौन सी प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटेड है। ठीक है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में पटगाई श्रेणियां में संलग्न नहीं है। जी बिल्कुल, त्रिपुरा नीचे पड़ता है, ये इससे संलग्न नहीं है। पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटी स्थित है बृहत हिमालय पीर पंजाल के बीच में, ये पीर पंजाल हो गया और ऊपर का जो है बृहत हिमालय हो गया, इसके बीच में है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। अक्साई चीन का भाग है किसका, लद्दाख के पठार का, लद्दाख का जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग है। पश्चिम हिमालय संसाधन में प्रमुख संसाधन क्या है, वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर, ठीक है, यानी 8,800, ये एवरेस्ट जो हम उसको बोलते हैं। हिमालय का प्रवाची है मध्य हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ दक्षिण के बारे में, ठीक है, दक्षिण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो दक्षिण की सबसे पुरानी पहाड़ी है वो अरावली है, ठीक है, अरावली राजस्थान से शुरू होती है और दिल्ली तक आती है, राजस्थान से शुरू होकर कहाँ तक आती है, दिल्ली तक आती है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन से में जो है अरावली की श्रेणी स्थित है, तो वो स्थित है, मैंने आपको बताया राजस्थान से शुरू होती है, राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली आती है, ठीक है, दिल्ली तक आती है। अरावली रेंज की अनुमानित आयु कितनी है, वो है आपके 570 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष इतनी इसकी आयु है, यानी सबसे जो है आयु है। ये पुरानी चट्टानों से बनी हुई है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट आबू, वो कौन सी है, माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, माउंट आबू। हिमालय की कौन सी है, एवरेस्ट, ठीक है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, ठीक है, प्रायद्वीपीय, भारत की प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, ठीक है। नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है सतपुरा की श्रेणी, ठीक है, सतपुरा की श्रेणी, ठीक है, सतपुरा की श्रेणी। देखिए छत्तीसगढ़, अभी इसी में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती नदी से ही शुरू होता है, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से ही शुरू होता है, ठीक है। और इसकी जो अगर हम बात करें तो अंतरीप की जो लंबाई है, अंतरीप की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर में विस्तृत है, कितनी है, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, ठीक है, दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में, कहीं कोई पूछ लेता है, और ये बेसाल्ट से बना हुआ है। धारवार पठार भी कर्नाटक में है, पर्वतीय चट्टाने हैं ये सब, ठीक है। उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर पहाड़ियों का अनुक्रम लगाइए, तो पहले है अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर है जवादी की पहाड़ी, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, ठीक है, ये नल्ला मलाई है, सॉरी, नल्ला मलाई, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, कहाँ मिलते हैं, यहाँ से आता है आपका पश्चिमी घाट, ये यहाँ से आता है पूर्वी घाट, ये मिलता है नीलगिरी में, ठीक है, नीलगिरी में ये मिलता है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ये एक ब्लॉक पर्वत है, यहाँ पे एक ब्लॉक पर्वत है, एक जो है ब्लॉक पर्वत है, इसी पे ये आके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, इसी पे आके ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान क्या है, नीलगिरी पहाड़ी मैंने आपको बताई, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पे मिलता है, ब्लॉक पर्वत के पास मिलता है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
तमिलनाडु में ब्लॉक पर्वत, याद रखिए तमिलनाडु में ब्लॉक पर्वत याद रखिए। अब बात करते हैं भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण, पश्चिम से लगभग 445 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रमन सागर। इसका नाम है रमन सागर पर्वत। क्या नाम है इसका? रमन सागर पर्वत। तो दोस्तों हम श्रेणियों के बाद जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अरावली, सतपुरा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह केवल राज्य में विस्तृत है। अजंता की पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री कौन कहलाता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ठीक है, ये कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने का सही क्रम लगाइए। तो पहला है दक्षिण से उत्तर, पहले है सतमाला, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। कार्डामम पहाड़ी जिस राज्य की सीमा में स्थित है वो है केरल और तमिलनाडु। सेवायर की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। उसके बाद है बालघाट की श्रेणी, हरिश्चंद्र की श्रेणी, मांडव की श्रेणी, सतमाला की श्रेणी स्थित कौन सी है जो महाराष्ट्र में नहीं है? वो है मांडव की पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में है, मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव की पहाड़ियों का भाग है सतपुरा पर्वत की श्रेणी और धूपगढ़ की चोटी है सतपुरा रेंज। रामगिरी पहाड़ियां कहाँ है? पूर्वी घाट और महेंद्र घाट। इसके बाद पर्वत चोटियां हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप क्या एक ही है यहां तक के बाद, अगर आपको कुछ रिटर्न बैक देना है तो वो आप हमें ऐसे दे सकते हैं। और टाइमिंग जो है वीडियो की अपलोड होने की वो होती है 8 से लेके 9 बजे के बीच में लाइव है, अपलोड हो जाएगा आपको 10 बजे तक। थैंक यू।